हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टच अप पर। हमें दिखाने हैं, हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो आज मैंने यहां पर बताया है आपको कि प्लास्टिक की चेयर पर आप कटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे आपको क्लाइंट को रेडी करना होता है कटिंग के लिए। सो अगर आपका क्लाइंट, जैसे ये क्लाइंट है, वैसे तो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो मैं बता रहा है, बस मैंने इनके ऊपर बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट को पूछ लेना है कि वो कौन सी कटिंग करवाना चाहते हैं। तो जब आप उनकी कटिंग कंफर्म हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उन्हें बिठा लेना है चेयर पर और इस तरीके से आपको एप्रेन लगा लेना है। जो एप्रेन का लॉन्ग साइड होता है वो आपको आगे की तरफ रखना है और जो छोटा साइज़ होता है ना, जिस साइड से अपन ओपन होता है एप्रेन, उस साइड को हमें बैक साइड पर रखना है। क्योंकि जब भी हम बालों को कटिंग करते हैं ना, बालों को काटते हैं, तो पीछे का बाल तो ऑलरेडी पीछे ही गिरता है, उसको कपड़े ऊपर नहीं आता है। लेकिन आगे अगर आप छोटा साइड आगे रखोगे तो बाल उनके कपड़ों पर गिरेगा और वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके कपड़ों में फंस जाएगा बाल और दिक्कत भी होगी। तो इसीलिए आपको इस तरीके से एप्रेन को लगाना होता है, जैसे मैंने लगाया है वैसे। और उसके बाद आप अच्छे से बालों को उनके को 80% आप उनके बालों को गीला कर लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा सूखा नहीं, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, 80% आपको गीला करना है कि हल्का फुल्का सा, मतलब सूखा रहे, बाकी गीला हो जाए सही से। तो आप अच्छे तरीके से गीला कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके से ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लीजिए और आपको धीमे धीमे करके बालों को सुलझा लेना है। अगर आपके क्लाइंट के बाल नहीं सुलझे हैं ना, तो आपको इस तरीके से सुलझाना है। बहुत जल्दी बाल सुलझ जाते हैं इस तरीके से और बहुत आराम से भी सुलझ जाते हैं और बाल टूटता भी नहीं है। देखिए बाल कितना उलझा हुआ था ना, और मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बालों को ऐसे सुलझा के बताया है कि आपको किस तरीके से क्लाइंट को अटेंड करना है, किस तरीके से उसको उसके बालों को आपको रेडी करना है, किस तरीके से एप्रेन लगाना है और किस तरीके से उसे कटिंग देनी है, वो सब मैंने आपको बताया है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि हमें जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें किस तरीके से अपने क्लाइंट को रेडी करना होता है, किस तरीके से, आप पूरा वीडियो बताइए। तो इसीलिए ये मैंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाया है। सो आप इस तरीके से रेडी करना है आपको इस तरीके से। आपको छोटे छोटे सेक्शन लेकर ही बालों को सुलझाना है, क्योंकि अगर आप एक साथ बालों को सुलझाएंगे तो बाल टूटेंगे भी, उन्हें भी दर्द होगा। और अगर आप उनको सुलझाने के लिए बोलते हो कि आप ही सुलझा लीजिए, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन लेकर सुलझाएंगे तो फटाफट से बाल सुलझ भी जाता है, क्योंकि जल्दी बाल सुलझ जाता है और गीला होता है तो फटाफट सुलझ जाएगा। तो आप इस तरीके से उनके नॉट खोल लीजिए और बालों में ना कोई भी नॉट लगी नहीं रहनी चाहिए। कोई भी बाल आगे पीछे से, अंदर की साइड, नीचे की साइड से, कहीं से भी बालों में बिल्कुल भी एकदम से कंघा बिल्कुल स्लिप होना चाहिए अच्छे तरीके से, कहीं भी कंघा उलझना नहीं चाहिए। सो आपको इस तरीके से बालों को कर लेना है रेडी, जैसे मैंने कर लिया है। देखिए कंघा बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल रहा है बालों में से। इसी तरीके से आपको अच्छे से बालों को तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ हल्का सा ट्रिम करके बता रही हूँ बालों को। नॉर्मली जब बालों को यू शेप देना हो, मान लीजिए आपको अपने क्लाइंट के बालों को यू शेप देना है, तो आपको इस तरीके से आप बालों को यू शेप दे दीजिए। अगर आपको हल्का फुल्का बाल ट्रिम करना है तो आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मिडिल से सेक्शन उठाना है एक छोटा सा, जैसे मैंने लिया है इस तरीके से। इतना बड़ा सेक्शन लेना है कि आपके फिंगर में अच्छे से आ जाए और आपको उसको बिल्कुल अच्छे से ऊपर से खींच के नीचे की साइड लेके आना है। और आपको इस तरीके से बालों को कॉम करके इस तरीके से जितना बाल आपको कट करना है ना उतना ले लीजिए और उसके बाद आपको इस तरीके से बालों को कट कर दीजिए। देखिए एकदम सीधा, ठीक है ना, बिल्कुल तिरछा नहीं, एकदम सीधा आप बालों को कट कर दीजिए। और आप अगर आपको कटिंग बिल्कुल नहीं आती है ना, तब भी आप इस कटिंग को कर पाओगे इस तरीके से। अगर आप यू शेप दोगे ना तो बहुत आराम से दे पाओगे, क्योंकि आपको बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस तरीके से कटिंग कर पाओगे। और आप अपन एक साथ करते हैं ना तो अपने हाथ कपते हैं, ऊँचा नीचा हो जाता है, और इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल ऊँचा नीचा नहीं होगा। उसके बाद आप हाफ ऑफ कर लीजिए, जो अपने बीच मिडिल में से जो बीच से सेक्शन है उसको हाफ ऑफ कर लीजिए और इस तरीके से दूसरी साइड मिला के और उसी को गाइडलाइन बनाते हुए इस तरीके से लेते जाइए और तिरछा तिरछा कट करते जाइए, हल्का हल्का तिरछा तिरछा। देखना जैसे मैं कर रही हूँ ना, सीज़र को ऊपर की तरफ हल्का सा, देखिए ये लिया इस तरीके से बालों को। ज़्यादा बाल नहीं लेने आपको, बस थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लीजिए आप, ठीक है ना। आप बस इंच, एक इंच का सेक्शन, और इस तरीके से सीज़र को तिरछा करके ऊपर की साइड
कर दीजिए। ऊपर का जो बाल रह गया है वो उनका कटिंग किया हुआ बाल है, उनकी ऑलरेडी बालों में कटिंग थी, बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला है किया है इस तरीके से। अगर आपके पार्लर पर कोई ऐसा आ रहा है जो यू शेप करवाना चाहता है तो आप ऊपर तक अच्छे से यू शेप देंगे। सो इसी तरीके से आप अच्छे से दे लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। मैं बहुत मेहनत से भी वीडियो बनाती हूँ क्योंकि पार्लर में ऑलरेडी काम रहता है, उसके बाद वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मुझे ही वीडियो बनाना है, मुझे ही क्लाइंट अटेंड करना है तो वो सब देखना पड़ता है इसीलिए। तो उसके बाद आप देखिए बालों को एक बार चेक कर लीजिए इस तरीके से, अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत लग रहा है उस जगह पर हल्का सा सीज़र इस तरीके से चला दीजिए, देखिए जैसे मैं करूँ। और कभी भी आपको कटिंग करते टाइम डरना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, ख़राब नहीं हो जाए ये वो, तो ये नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल अच्छे से कटिंग कीजिए, आप कॉन्फिडेंस से कटिंग कीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो जब कटिंग रेडी हो जाए उसके बाद आप क्लाइंट को चेक करवा दीजिए और उसके बाद आप एप्रन को आगे की साइड निकाल कर और आगे चढ़ा लीजिए ताकि बाल उनके ऊपर न गिरे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, राधे राधे।